नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। बिहार के जिन पांच मुखिया से पीएम मोदी जी ने सीधा संवाद किया, उसमें वैशाली जिले की दो महिला मुखिया भी शामिल। लालगंज प्रखंड के पुरन टांड पंचायत की मुखिया गायत्री देवी और महुआ प्रखंड क्षेत्र के मिर्जानगर पंचायत की मुखिया रिमझिम कुमारी शामिल है। तो वही दोनों ही प्रखंड की एक एक लाभुक से भी पीएम मोदी जी ने सीधा संवाद किया है। पीएम ने आवास योजना में बेहतर काम करने वाले मुखिया को बधाई दी तो महिला मुखिया में उत्साह का संचार हो गया। लालगंज प्रखंड कार्यालय में पीएम मोदी से संवाद स्थापित करने वाली महिला मुखिया गायत्री देवी और लाभुक प्रियंका कुमारी ने बताया कि पीएम से संवाद कर उन्हें बहुत अच्छा लगा और पीएम की बातों पर अमल कर वह अपने पंचायत में विकास की रफ्तार को और तेज़ करेंगी। वहीं महुआ प्रखंड कार्यालय में मुखिया रिमझिम कुमारी ने भी पीएम से संवाद के बाद अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि पीएम से बात करना सपने सच होने जैसा था। बात करने आए हैं पीएम नरेंद्र मोदी से, इंदिरा आवास के मुद्दे पर। बहुत ही अच्छा लगा है जी। बातें बहुत अच्छी हुई है। प्रधानमंत्री जी पंचायत के बारे में बोल रहे हैं कि पंचायत को किस किस में लाभ देना है, किस तरह का स्वच्छ रखना है, वही बोल रहे हैं। उनको बात सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। सोना की चर्चा हुई है, आवास योजना चल रहा है, आवास योजना हम लोग को करवाना है। अच्छा लगा हमको पीएम जी से बात करके। काम करेंगे हम लोग, आवास वाला काम करेंगे, उसके बाद मनरेगा वाला काम करेंगे, उसके बाद नल जल वाला, लाइट वाला, शौचालय वाला, पंचायत के स्वच्छ रखने के लिए भरपूर ध्यान देंगे। बताया गया कि यहाँ पे हम जिस जो काम से हम आए हैं उसमें बहुत अच्छा बताया गया प्रधानमंत्री के तरफ से। हम लोग बैठक किए हैं, उसमें बहुत अच्छा बात बताया गया, सारे काम के बारे में बताया गया और जो काम के लिए बताए गए उस पर हम लोग पालन करेंगे, उसका काम करेंगे। सभी काम अच्छे से बताया गया है, काम भी हम लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।